हेलो दोस्तों, मैं शेख सलमान आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल शेख टेक में। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, तो थंबनेल देख करके आपको अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आज होने वाला क्या है, क्योंकि आज मेरे चैनल पर बहुत दिनों के बाद एक अनोखे फ़ोन का गिव अवे होने वाला है। देखो, मैं इस कंपनी के फ़ोन का गिव अवे बहुत कम ही लाया हूँ, 2-3 कम लाया हूँ, बट इससे ज़्यादा ला ही लाया हूँ। लेकिन आज मैं उसका अनबॉक्सिंग करूँगा और साथ ही साथ फुल रिव्यू करूंगा और उसका गिव अवे भी करूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर आए हो नए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो भाई, मैं इस फ़ोन का गिव अवे करूंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा, रिव्यू करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये वीडियो देखना होगा एंड तक, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के बीच बीच में आपको बताता चलूंगा कि इस फ़ोन के गिव अवे में कैसे पार्टिसिपेट करना है और आप इसको कैसे विन कर सकते हो। तो चलिए करते हैं उस फ़ोन का अनबॉक्सिंग और गिव अवे। और जो फ़ोन का मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग और गिव अवे, वो है मेरे पास ये वीवो का Y12s। जी हाँ, वीवो का Y12s, जिसका मैं करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग, और जो कि मेरे पास आया है 3GB 32GB वेरिएंट का। जी हाँ, 3GB 32GB वेरिएंट का आया मेरे पास, और ये मेरे पास आया है ग्लेशियर ब्लू कलर का। जी हाँ, ग्लेशियर ब्लू कलर का। इसकी सारी हाइलाइटिंग फीचर्स इसमें दी गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइलाइटिंग फीचर्स जो मेरे को इस फ़ोन का अच्छा लगा है, वो है इसका मेड इन इंडिया का लोगो। जी हाँ, आप यहाँ देख सकते हो, इसका यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, जो कि मेरे को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई, करते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इस फ़ोन के डब्बे के अंदर में आपको क्या क्या मिलता है देखने को। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। अनबॉक्स करने के लिए इसको करते हैं, खुल जा भाई, ये हो गया अनबॉक्स। ये डब्बा हमेशा एज यूजुअल खाली सोते साइड में, और देखते हैं बॉक्स के अंदर में हमें क्या क्या मिलता है। बॉक्स के अंदर हमें सबसे पहले मिलता है एक छोटा सा बॉक्स। इस बॉक्स को सबसे पहले खोलते हैं और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या मिलता है। इस बॉक्स के अंदर में हमें मिलता है एक बैक केस, जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, सिलिकन का है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मजबूत भी है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है। तो इसके अंदर हमें मिलती है यूज़र मैनुअल गाइड, और मिलता है हमें सिम इजेक्टर टूल। देख सकते हो यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल भी दिया गया है। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर में क्या है। बॉक्स के अंदर में हमें सबसे पहले मिलता है हमारा मेन प्रोडक्ट। इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है। और बॉक्स के अंदर हमें मिलता है नॉर्मल USB टाइप ए चार्जर मिल जाता है, और हमें मिलता है एक 18 वाट का चार्जिंग अडाप्टर मिलता है। जी हाँ, 18 वाट का चार्जिंग अडाप्टर मिलता है। इन सब को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की ओर, देखते हैं कि वो कैसा है। तो ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट, इसको करते हैं अनरैप्ड और देखते हैं कि ये फ़ोन है कैसा। सबसे पहले करते हैं बूट और देखते हैं कि ये फ़ोन बूट होने के बाद कैसा दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दिखा दूँ। ये आपका बैक साइड देख सकते हो, इसका बहुत ही अच्छा कलर है आपका ग्लेशियर ब्लू, बहुत ही खतरनाक कलर देखने को मिलता है। इसे कैमरा सेटअप देखो तो आपको बहुत ही अच्छा रेक्टेंगल साइड में देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको मिलती है डुअल कैमरा मिल जाती है। जी हाँ, डुअल कैमरा मिलती है, जिसमें कि आपको मिलती है इसकी प्राइमरी कैमरा मिलती है 13 MP की, और मिलती है 2 MP की, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं आपको इसका बूट होने के बाद आपको इसका कैमरा सेटअप भी दिखाऊंगा। और इसका फ्रंट साइड की बात करें, तो फ्रंट साइड में आपको मिलती है 8 MP की सेल्फी कैमरा मिल जाती है। देखो, ये फ़ोन हो चुका है बूट। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैमरा सेटअप। अब देख सकते हो इसका कैमरा, अब इसका कैमरा हो चुका है ऑन। आप देख सकते हो इसका कैमरा, देख सकते हो बहुत ही कमाल का कैमरा मिलता है देखने को, बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है इसका। और इसकी बात करें इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही कमाल है। बैक साइड आपको मिलता है ग्लास का बैक मिलता है। और इसकी ओवरऑल व्यू की बात की जाए, तो आपको राइट साइड मिल जाती है वॉल्यूम अप एंड डाउन की मिल जाती है, और जस्ट उसके थोड़े से नीचे मिल जाती है हमें पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है, जिसमें ही आपको मिलती है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। जी हाँ, इसी में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाती है, ना कि आपको बैक साइड मिलती है और ना ही डिस्प्ले मिलती है। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको मिल जाती है 6.51 इंच की HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। जी हाँ, HD+ डिस्प्ले मिलती है। नीचे की साइड बात की जाए, तो नीचे आपको मिल जाती है 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। उसके बगल में मिलती है आपको एक छोटा सा माइक होल मिल जाता है। उसके जस्ट थोड़े से बगल मिलती है आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। जी हाँ, चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और उसके जस्ट थोड़े से बगल में मिल जाती है आपको स्पीकर ग्रिल, जो कि बहुत अच्छा है। और इसके लेफ्ट साइड की बात की जाए, तो लेफ्ट साइड आपको मिलती है सिम ट्रे मिल जाती है। जी हाँ, सिम ट्रे मिल जाती है आपको लेफ्ट साइड, और ऊपर की साइड बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बात की जाए इसकी बिल्ड क्वालिटी, तो बहुत ही ज़बरदस्त है।
और बात की जाए इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है आपको फन टच का ओएस मिल जाता है, जिसमें कि आपको मिलती है फन टच का 11, जी हाँ, जो कि आपको एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है, जी हाँ एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड है। और बात की जाए इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 439, जी हाँ 439 आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर की बात की जाए तो ये प्रोसेसर बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि इसमें आप गेम बहुत ही आसानी से खेल सकते हो। लैगिंग हल्का होगा, उतना भी नहीं कि आपका बहुत ज़्यादा लैग करेगा, गेम में लैग करेगा। बड़े बड़े गेम खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो तो आपका लैगिंग करेगा, फ्री फायर खेलो तो हल्का लैग करेगा, बट पबजी की बात आ ही गई है, तो पबजी के लिए मैं आपको गुड न्यूज़ दे दूँ कि मे बी नेक्स्ट मंथ आपको पबजी इंडिया में फिर से मिल सकता है दोबारा, जी हाँ उसमें से बैन हट सकता है, गारंटीड नहीं है जहाँ तक सोर्सेज से पता चला है, तो हाँ भाई गारंटीड नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ आपको इसका टीज़र या फिर ये गेम पूरा का पूरा आपको मिल जाए। तो वापस आते हैं इस फ़ोन की तरफ, तो फ़ोन में आपको जो इसका सार वैल्यू मिलती है वो बहुत ही कमाल का मिलता है, क्योंकि इसका सार वैल्यू इतनी मिलती है आपको हेड के लिए 0.87 वाट पर किलोग्राम, और उसके बॉडी के लिए मिल जाती है आपको 0.55 वाट पर किलोग्राम, जो कि आपको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और बात की जाए इस फ़ोन से वीडियो शूट की, तो वीडियो शूट आप इस पर 1080p 30fps पर कर सकते हो, जी हाँ 1080p आपका पिक्सल रेजोल्यूशन होगा और आपका 30fps पे आप इसका वीडियो शूट कर सकते हो, दोनों साइड से, रेयर से भी कर सकते हो, सेल्फी से भी, बहुत ही अच्छा वीडियो आएगा आपका। और बात करें इसकी वेट की, तो ये वेट आपको मिलता है 191 ग्राम का, जी हाँ 191 ग्राम का मिलता है। और साथ ही साथ इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा लाजवाब चीज़ है इसकी बैटरी, जी हाँ इसका जो बैटरी मिलता है आपको वो मिलता है आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बैकअप बहुत ही कमाल का मिलने वाला है। ये सब तो रहा इस फ़ोन की सारी डिटेल, अब मैं आपको बताता हूँ इस फ़ोन की प्राइस, जी हाँ ये इस फ़ोन की प्राइस आपको मिल जाती है फ्लिपकार्ट पर 9990 rupees, जी हाँ 9990 rupees, दैट मीन्स कि ये फ़ोन आप चाहो तो बाई कर सकते हो, और अगर ना चाहो तो आप मेरे इस चैनल पर इस फ़ोन के लिए गिव अवे को पार्टिसिपेट करके इस फ़ोन को अपना बना सकते हो। तो इस फ़ोन को अपना बनाने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ करना होगा इस वीडियो को लाइक, और इस वीडियो के रिगार्डिंग एक कमेंट, कुछ भी कर सकते हो कमेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप इस फ़ोन के अकॉर्डिंग करो, आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग कर सकते हो, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कर सकते हो, फ़ोन के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो, कमेंट करना मस्ट है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि गिव अवे में अगर मैं रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट के बेसिस पर ही करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड कीप ऑलवेज हैप्पी।